ऑनलाइन पैसा कमाना एकदम पॉसिबल है, रिजल्ट्स आपके सामने है। रिफ्रेश करके आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं हम, और ये हमारी $100 की सेल अभी आई है रिसेंटली। आप देख रहे हैं सारे वीक्स में मिनिमम $100 या उससे ज्यादा अर्न करे हैं मैंने मेथड्स का यूज करके, जो मेथड्स आपके साथ इसी वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं। और ये हमारी पिंटरेस्ट की वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर हमने बहुत सारी चीजें बताई हैं कि अकाउंट कैसे बनाना है और किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए अकाउंट बनाते हुए, और एक अलग निश जो निश के ऊपर आई थिंक किसी ने भी अभी तक यूट्यूब के ऊपर वीडियो आपने नहीं देखी होगी, तो सबसे अलग निश के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं पिंटरेस्ट का यूज करके, वो वीडियो हमने पार्ट वन ऑलरेडी आ चुका है, जिसका लिंक जो है आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिए, अकाउंट बनाइए, उसके बाद आप इस वीडियो के ऊपर आइए। और इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में सारी चीजें बताने वाला हूं कि पिंस कैसे अपलोड करनी है, लैंडिंग पेज कैसा मैं यूज कर रहा हूं, कैसा लैंडिंग पेज आपको बनाना है, क्या क्या चीजें करनी है, और कैसे आपको अपना अकाउंट जो है वो सस्पेंड होने से बचाना है पिंटरेस्ट का, बिकॉज बहुत अकाउंट सस्पेंड होते हैं पिंटरेस्ट के, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी रिसेंटली आज मेरे को 10 से 15 मैसेजेस इसी चीज के आए हैं कि पिंटरेस्ट का अकाउंट उनका सस्पेंड हो रहा है, तो वो चीजें कैसे बचानी है वो भी इस वीडियो के अंदर आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। और अगर आप ये सब पहली बार सुन रहे हैं और आप भी पैसा अर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आप कैसे बिना कुछ इन्वेस्ट किए सिर्फ अपने मोबाइल लैपटॉप का यूज करके और कुछ स्किल्स का यूज करके आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं सीखना चाहते हैं, तो आप एकदम सही चैनल पे आ चुके हैं। तो मैं बता दूं, मेरा नाम है विजय। फ्री मेथड से एफिलिएट मार्केटिंग करके या ऑनलाइन काम करके आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हैं, तो आप मेरे चैनल के अंदर जाके वीडियोस को चेक जरूर कर सकते हैं। और हमारी एक स्पेशल वीडियो है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर हमने एफिलिएट मार्केटिंग का सब कुछ बता रखा है, तो वो वीडियो जाके आप जरूर देख सकते हैं। वहां पे आपको डिटेल में बिगिनर लेवल से एकदम आपको अगर कुछ भी नहीं आता तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करने वाले हैं कि कैसे हम क्लिकबैंक, एक एफिलिएट प्रोग्राम है जो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स की लिंक देता है जिन लिंक्स को हम शेयर करके अच्छा खासा कमीशन जनरेट कर सकते हैं, और वो कमीशन हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू करने वाले हैं। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करके हम ट्रैफिक लोगों को अपने एफिलिएट लिंक के ऊपर हम डायरेक्ट करने वाले हैं, ताकि लोग हमारे लिंक के ऊपर क्लिक करें और जब उनका मन हो तो वो हमारे लिंक के थ्रू प्रोडक्ट को बाय करें, और जब वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो हमें जनरेट होगी इनकम जो कि डॉलर्स में होती है। तो ये सब आपको कैसे करना है उसका सेकंड पार्ट है और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए अब चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो फिर से आ चुके हैं हम हमारे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और आप ये देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो इसको सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के ऑल पे क्लिक आप जरूर कर दीजिए, ताकि जो हमारी 15 डे सेल चैलेंज की और बहुत सी वीडियोस हमारी अर्निंग्स की जनरेट करने की वीडियोस आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस आ रही हैं, अब तो दो दो तीन तीन दिन के अंदर आपको नए नए मेथड्स नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है। और अगर आप डायरेक्ट ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो पहला पार्ट है ये वाला पार्ट आप जरूर देखिए, जिसके अंदर हमने काफी चीजें डिटेल में बताई हैं पिंटरेस्ट के ऊपर कि कैसे आप अपना अकाउंट बचा सकते हैं और कैसे आपको अकाउंट खोलना है, कौन सी हम नीश सिलेक्ट करने वाले हैं, कैसे आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है और किन प्रोडक्ट्स के अंदर आपको जल्दी से सेल आने के चांसेस है, तो वो सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ओपन करके आप जरूर देख लीजिए। उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत आती है इस वीडियो के रिलेटेड, किसी भी वीडियो के रिलेटेड, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये हमारा इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है और यहाँ पे बहुत लोग मैसेजेस हमें करते रहते हैं जिनके मैसेजेस का मैं रिप्लाई ज़रूर करता रहता हूँ। आप देखिए अभी भी 3 लोगों ने फॉलो किया है इस टाइम पर भी रात के 11:30 बजे। तो यहाँ पर मैं अपडेट्स अपलोड करता रहता हूँ वीडियो से रिलेटेड, मेथड से रिलेटेड, बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। और जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, हमारे फॉलोअर्स के रिजल्ट्स जो आते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स की जो सेल्स आती है वो भी मैं शेयर करता हूँ, अपने जो रिजल्ट्स हैं लाइव रिजल्ट्स यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे आप हमारे रिजल्ट्स आके देख सकते हैं कि कैसे हमें रिजल्ट्स आ रहे हैं। 15 डे सेल चैलेंज की जो हमारी वीडियोस है उससे जो मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी मैं यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर करता रहता हूँ, तो आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आपके डीएम का रिप्लाई जल्दी से जल्दी किया जाएगा और आपके सॉल्यूशन, आपके
आपको जो भी दिक्कत आ रही है उसका सोल्यूशन हम जल्दी से जल्दी आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। तो अब फिर से आ जाते हैं मुद्दे पे कि क्या चल रहा था। पिछले वीडियो के अंदर हमने बताया था कि कौन सी हमने नीश चूज़ करी है, कैसे हमने अकाउंट बनाया है, कौन सी मेन चीज़ों का ध्यान रखना है अकाउंट बनाते टाइम। तो वो सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो के अंदर बताई थी, और क्लिकबैंक के अंदर प्रोडक्ट कैसे चूज़ करते हैं वो चीज़ें बताई थी। तो वीडियो आप ज़रूर देख लेना एक बार। उसके बाद का जो प्रोसेस था वो था कि अब हमें अकाउंट को कैसे करना है, क्या लैंडिंग पेज यूज़ करने वाला हूँ मैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं अकाउंट के अंदर। तो ये अकाउंट हमने पिछली वीडियो के अंदर बनाया था, और मैंने कुछ पिंस जो है वो शेड्यूल करी हुई हैं ऑलरेडी, एंड कुछ पिंस जो है अपलोड भी करी हैं। आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर व्यूज़ भी आने शुरू हो गए हैं, 5 व्यूज़, 14 व्यूज़, 13 व्यूज़। आप देखिए कि 13 व्यूज़ के अंदर यहाँ पे 2 क्लिक्स भी आए हुए हैं, ये क्लिक्स शो कर रहे हैं यहाँ पे। इसके ऊपर 1 क्लिक आया हुआ है, यहाँ पे 1 क्लिक आया हुआ है, यहाँ पे 1 क्लिक आया हुआ है, और 3 क्लिक्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने एक अलग नीश चूज़ करी है जिसके अंदर कंपटीशन कम है, बट इस वीडियो के बाद बढ़ने वाला है, बिकॉज व्यूज़ आएंगे तो सारे इसी को ट्राई करने वाले हैं, तो कंपटीशन बढ़ने वाला है। इसलिए कहता हूँ कि रिसर्च करने पे थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज़। आप भी थोड़ा रिसर्च करके ऐसी कोई नीश सर्च कीजिए जिसके अंदर कॉम्पिटिशन कम हो और आपको सेल्स आने के चांसेस ज़्यादा हों। तो ऐसी कोई नीश ढूंढिए, बट इस नीश के अंदर अब कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज सारे इसके ऊपर वीडियोस भी बनाएंगे एंड इसी नीश को फॉलो भी करने वाले हैं। बट मैं शेयर कर रहा हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि गाइस आप लोगों की भी सेल आए। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स मेरे स्टूडेंट्स हैं, और वो सब्सक्राइबर्स लाइक 15 साल से लेके 22-23 साल तक के लोग ही मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें मेथड्स को, सीखें और आपके भी सेल्स आए। और इसीलिए मैं हर किसी का रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करता हूँ, और मैक्सिमम मैं रिप्लाई देता हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है, जब भी मेरे को मैसेज शो होता है नोटिफिकेशन के अंदर, मैं हर किसी का रिप्लाई करता हूँ जितने भी लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेजेस करते हैं। तो सीरियसली मैं चाहता हूँ कि आप सभी की सेल आए। इसीलिए जो मेथड्स मैं खुद ट्राई करता हूँ, जो मेरे सीक्रेट्स होते हैं, मैं कुछ नहीं रखता हूँ, सब कुछ आपके साथ यूट्यूब के ऊपर शेयर करता हूँ। और बदले में सिर्फ आपसे एक चीज़ गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, वीडियो हो सके तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज हो और लोग भी इस चीज़ को सीख सकें और इंडिपेंडेंट बन सकें, और अपने छोटे मोटे खर्चे स्टूडेंट हैं तो खुद से चला सकें, एंड थोड़ा ग्रो करके इस चीज़ के अंदर अच्छा खासा नाम कर सके और अच्छा खासा अर्न करके सपोर्ट कर सके अपनी फैमिली को और खुद को। इसीलिए गाइस सिर्फ एक यही मकसद है वीडियो बनाने का। तो हम फिर से आ जाते हैं हमारी मेथड के ऊपर कि अब जो चीज़ें हैं हमें सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बात फिर से मैं बता देता हूँ कि आप ज़रूर चेक कर लीजिए कि जो आपका अकाउंट है वो .com पे बनना चाहिए। बिकॉज अब भी मैंने हर वीडियो के अंदर ये बहुत बार बातें बोल रखी है कि .com पे ही अकाउंट बनना चाहिए आपका। अगर .in पे अकाउंट बनेगा तो आपकी पिंस जो है वो इंडिया के अंदर वायरल होंगी, और वहाँ पे वायरल होने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वहाँ पे आपको सेल्स नहीं आ सकती। तो आपकी पिंस जो है वो USA के अंदर ही होनी चाहिए, और वो .com के साथ होगी। तो आपका अकाउंट जो है वो .com के ऊपर ओपन होना चाहिए। उसके बाद आके जस्ट हमने क्रिएट करना है क्लिक के ऊपर, और यहाँ पे हमने जो क्लिक करना है वो क्रिएट पिन के ऊपर क्लिक करना है। पिंस कहाँ से मिलेंगी, तो हम जाएंगे होम फीड के अंदर, और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उससे रिलेटेड हम पिंस को जो है वो फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक शो हो रही है ये पिन पहले, इसे हम स्किप करते हैं फिलहाल अभी। एंड यहाँ पे देखिए एक पिन शो हो रही है कि प्रेगनेंसी एट एज ऑफ 40 एंड आफ्टर 40 एवरीथिंग यू नीड टू नो, क्या क्या आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे एक जो नीश से रिलेटेड ही है ये, तो इसको जस्ट मैं सेव कर देता हूँ अभी। आप चाहें तो अलग से भी पिंस बना सकते हैं अपनी, बट मैं जो है वो कॉपी पेस्ट ही करता हूँ अभी भी। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं जस्ट क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे हमारी जो पिन है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। कंटेंट जो है मैंने कॉपी कर लिया, इसके अंदर मैं क्या एडिट कर सकता हूँ थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं, ये चीज़ें लिख सकती हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि वॉच फ्री वीडियो गाइड एंड लेसन्स, जस्ट ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ। ये इसको कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे भी पेस्ट करने वाला हूँ, ये कॉपी नहीं हुआ, कॉपी किया, इसको मैं यहाँ पे भी पेस्ट करने वाला हूँ।
एंड उसके बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ये क्या लिखा है, तो इसको भी हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमारी लिंक है, तो जो मैंने लैंडिंग पेज है, मैंने कुछ इस टाइप का लैंडिंग पेज बनाया है। इसके अंदर मैंने डायरेक्ट वीडियो नहीं लगाई है, बिकॉज उस चीज़ से जो है एक हॉट ऑडियंस जो है, सिर्फ हॉट ऑडियंस ही होती है। जो कोल्ड ऑडियंस होती है, जिन्हें प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, वो कन्वर्ट होना थोड़ा मुश्किल होती है। तो इसके अंदर मैंने एक आर्टिकल टाइप लिखा है कि 6 foods to increase fertility, कि 6 ऐसे कौन से फूड हैं जो फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और ये चीज़ आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगी। आप लिख सकते हैं कि फूड्स टू इंक्रीज फर्टिलिटी, कुछ ऐसी टिप्स जिससे फर्टिलिटी इंक्रीज हो सकती है, और वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपना एक जो है आर्टिकल पेज बनाने में। और अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, तो इस लैंडिंग पेज के ऊपर भी हम एक डिटेल में वीडियो बना देंगे कि गूगल साइट का यूज़ करके आप इस टाइप के लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हैं, वो वीडियो भी हम बना देंगे। तो कमेंट आप नीचे कर सकते हैं आपका ये सारा कमेंट सेक्शन। तो मैंने ये चीज़ें लिखी हैं कि एवोकाडो, सनफ्लावर सीड्स, ये चीज़ें खा के आप कर सकते हैं। उसके बाद सीधा मैंने अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी वीडियो यूज़ करी है यहाँ पे, उसका जो वीडियो थंबनेल है वो मैंने लगा रखा है, और यहाँ पे अपनी लिंक अटैच कर रखी है, एंड नीचे बटन दे रखा है वॉच फ्री वीडियो प्रेजेंटेशन। उसके बाद ये क्लिक बैंक का डिस्क्लेमर है वो कुछ लिख रखा है, कॉपीराइट है वो लिख रखा है, एंड प्राइवेसी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें भी ऐड कर रखी हैं इसके अंदर। अब जस्ट हमें क्या करना है, इस लिंक को यहाँ पे उठाना है, यहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर इस लिंक को पेस्ट कर देना है, और हम इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं और पब्लिश इमीडिएटली भी कर सकते हैं, बट मैं इसको पब्लिश इमीडिएटली करने वाला हूँ। अभी शेड्यूल के अंदर जाके आप अपने हिसाब से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जाके आप डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक 30 तारीख को किसी भी टाइम आप अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आधा आधा घंटा का डिफरेंस लेके। एंड बट मैं इसको भी पब्लिश इमीडिएटली करने वाला हूँ, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बहुत सी पिंस जो है शेड्यूल कर रखी है, बिकॉज 15 डे के अंदर सेल ला के दिखानी है तो थोड़ा सा काम करना पड़ता है एक्टिवली, तो उसी दिन मैंने थोड़ा बहुत इसके ऊपर करा था। अब जो ज़रूरी बातें हैं आपके साथ शेयर करनी है कि अपना अकाउंट जो है बैन होने से कैसे बचाना है। सबसे पहले तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, लैंडिंग पेज आप जो वेबसाइट का यूज़ करके बनाएंगे, वो सिर्फ गिनी चुनी वेबसाइट का यूज़ करके ही आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं। सबसे पहले वेबसाइट है गूगल साइट्स, जो पिंटरेस्ट जो है अलाउड करता है, जिसको वो बैन नहीं करता है। या तो आप पिंटरेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, मैं डिस्क्लेमर में फ्री वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ, पेड की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप डोमेन बाय कर सकते हैं, अपनी आपकी वेबसाइट है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे अभी फ्री की बात कर रहा हूँ, तो गूगल साइट्स का यूज़ कर सकते हैं, गूगल डॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मीडियम के ऊपर अकाउंट है, medium.com के ऊपर अकाउंट है, तो आप वो लिंक यूज़ कर सकते हैं। यही बस 2-3 का यूज़ कर सकते हैं जिन्हें जो है पिंटरेस्ट अलाउड करता है और जिन्हें बैन नहीं करता है। उसके बाद जो बात है कि आपको स्टार्टिंग में डेली सिर्फ 3-4 पिंस ही अपलोड करनी है एक दिन की, और जब आप लिंक को यूज़ करेंगे, लाइक मैंने ये लैंडिंग पेज अभी आज यूज़ कर लिया है, ये लैंडिंग पेज की मैंने आज यूज़ कर ली है, तो आज इसको दोबारा यूज़ नहीं करना है इस पिन को। एक पिन के अंदर एक लैंडिंग पेज आपको दिन में एक ही बार यूज़ करना है। अब इस लैंडिंग पेज को मैं कल 11-12 बजे ही यूज़ कर सकता हूँ, तो एक लिंक को आपको दिन में एक ही बार यूज़ करना है। तो ऐसे आपको कम से कम 3-4 लैंडिंग पेज बनाने हैं अलग अलग लिंक के, और हर पिन के साथ आपका अलग लैंडिंग पेज होना चाहिए, और एक लिंक आपके दिन में सिर्फ एक बार ही अलाउड हो सकती है। ये इन्फॉर्मेशन आपको YouTube के ऊपर कोई नहीं देने वाला है गाइस। ये चीज़ें मैं खुद यूज़ करता हूँ, कोई अकाउंट बैन नहीं होता, ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है, और पिंटरेस्ट ने ये चीज़ें पॉलिसीज़ के अंदर खुद बता रखी हैं, जो मैंने खुद ढूंढी है, स्टडी करी, और आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ अभी इस वीडियो के अंदर। तो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए अभी की अभी, बस इतना सा सपोर्ट मांगते हैं आपसे, और इन्फॉर्मेशन आपको भर भर के देंगे। तो ये चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है, और अगर आपका अकाउंट बैन हो भी जाता है तो आपको एक ईमेल आता है जिसके अंदर आपको एक अपील करने का ऑप्शन मिलता है, वो अपील करके आप अपना अकाउंट जो है रीएक्टिवेट करने की एक अपील डाल सकते हैं। अगर कोशिश होती है तो आपका अकाउंट जो है दोबारा से वापस आ जाता है, नहीं आता है तो आपको दोबारा ही बनाना पड़ता है। अगर इस चीज़ के ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी, बिकॉज नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो आपको उस का चीज़ से रिलेटेड भी एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। उसके बाद हमने पिंस अपलोड कर दी है, तो आपको दिन में कम से कम सिर्फ 3-4 ही पिंस अपलोड करनी है, और जब आपका 1-2 महीना हो जाएगा उसके बाद आपको पिंस को कम करके डेली के सिर्फ 2 पिंस पे आ जाना है।
इस चीज के अंदर टाइम लगेगा बट आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। अगर आप एक ही दिन के अंदर 8-8 पिन अपलोड करने लग गए या 10-10 पिन अपलोड करने लगे और आपका अकाउंट बैन हो गया, मतलब आप इतनी ज़्यादा मेहनत करो एक लेवल पे जाओ और फिर आपका अकाउंट बैन हो जाए तो उस चीज़ का मतलब क्या मतलब बनता है। तो इसलिए इस चीज़ से आप 3-4 पिन अपलोड करोगे डेली की, थोड़ा सा आपका अकाउंट जो स्लो ग्रो होगा बट वो बैन नहीं होगा और थोड़े टाइम के बाद, थोड़े से इंतज़ार के बाद आपकी भी सेल्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं इन चीज़ों का आपको एकदम खास ध्यान रखना है। कोई जो चीज़ें वीडियो के अंदर बताई है आप दोबारा से सुन सकते हैं। आप लोग, बहुत से लोग हैं जो वीडियो को ध्यान से नहीं सुनते हैं और फिर कमेंट करते हैं, मुझे स्पेशल इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं और मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई ये चीज़ मैंने वीडियो के अंदर कवर कर रखी है, प्लीज़ एक बार दोबारा से आप वीडियो को सुन लीजिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद उनके डाउट्स क्लियर हो भी जाते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक बार आप ध्यान से सुनिए। सारी चीज़ें मैंने अभी इसके अंदर बता दिए कि कैसे आपने पिन्स अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आप लिख के अपना जो भी आपकी नीश है आप उस नीश से रिलेटेड, लाइक मैंने देखिए बहुत सी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं, प्रेग्नेंट नेचुरली लिखेंगे तो यहाँ पे उस टाइप से पिन्स आ जाती हैं, तो आप इन पिन्स को कॉपी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आप कैनवा का यूज़ करके भी अपनी पिन्स बना सकते हैं, लाइक यहाँ से आइडिया लेके कैनवा के अंदर जाके आप अपनी अलग से पिन्स बना के यूज़ कर सकते हैं। कंटेंट कॉपी पेस्ट करना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है आपको। डेली कितनी पिन्स अपलोड करने हैं वो मैंने आपको बता दिया है, कैसे लैंडिंग पेज करना है वो मैंने बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज़ के अंदर तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या हमारा हमने शो कर रखा है, यहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आपके हर कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। तो इसके अलावा अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आपकी अगर बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं तो एक पिंटरेस्ट की डाउट वाली भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी, या हम कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपकी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर देंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, इसके अंदर हम रिजल्ट्स आते हैं तो जल्दी आपके साथ शेयर करते हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए मेथड के साथ। 15 डेज चैलेंज अभी ख़त्म नहीं हुआ, और भी बहुत से ट्रैफिक सोर्सेज हैं, अलग अलग सोर्स से आपको कैसे काम करना है, कैसे सेल जनरेट करनी है, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, कम से कम 300 से 400 लाइक्स की हम एक होप करते हैं कि वो आ जाती है तो हम एक नया यूनिक मेथड आपके साथ शेयर करने वाले हैं जल्दी ही। तो वीडियो को लाइक टारगेट ज़रूर पूरा करवा देना, कमेंट ज़रूर कर देना, आपको वीडियो जैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, कोई भी डाउट हो कमेंट ज़रूर कर देना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बहुत सारे मेथड्स, एकदम ऑनेस्ट रिव्यूज़, ऑनेस्ट मेथड्स, सीक्रेट मेथड्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे, बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।